हम वापिस आते हैं कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज में. कोवलेंट बॉन्ड है क्या, डेफिनेशन लिखो. द बॉन्ड, लिखते जाओ जल्दी से. द बॉन्ड जनरेट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, ध्यान से. ये मेरे पास फ्लोरीन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सात. ये एक दूसरी फ्लोरीन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सात. दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, एक एक शेयर कर दिया कि तेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट, मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा भाई, मान जा. तो इस तरह से इन्होंने दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो तो शेयर कर लिया, और शेयर से बनने वाले पेयर को हमने बोला शेयर पेयर. इलेक्ट्रॉन को हमने बोला बॉन्ड पेयर. और जो अनशेयर्ड पेयर है, आपस में ही पेयर है और किसी के साथ शेयरिंग नहीं कर रखी है, उसको बोलेंगे हम लोन पेयर. शॉर्ट फॉर्म में LP, शॉर्ट फॉर्म पे BP. बॉन्ड पेयर, लोन पेयर. तो बताइए F2 के अंदर कितने लोन पेयर दिख रहे हैं आपको, 6 F2 में, और लोन पेयर 6 और बॉन्ड पेयर 1, पक्का. तो यहां हमारे लिए कितने लोन पेयर हैं, टोटल लोन पेयर ऊपर लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं टोटल लोन पेयर इन F2 6, टोटल बॉन्ड पेयर BP इन F2 1. इसी तरह से एक और एग्जांपल करते हैं हम, सेकंड एग्जांपल O2. O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो उसको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बाकी के चार इलेक्ट्रॉन उसके पास लोन पेयर रहेंगे. तो टोटल लोन पेयर कितने होंगे, 4. टोटल बॉन्ड पेयर 2. तो हमें कैसे पता चलेगा ये कितने बॉन्ड बनाना चाहता है, जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो उसके लिए क्या कहलाएगी, वैलेंसी. क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड के लिए बन रही है तो उसे क्या बोलेंगे, कोवलेंसी. तो आप बता सकते हैं नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5. तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 8. तीन और चाहिए तो उसके पास कितने बॉन्ड होंगे, 3. तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन, एन 1, 2, 3. टोटल इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 3 ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा, तो टोटल लोन पेयर कितने हो जाएंगे इसके पास, 2, और बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 3. तो इन तीनों में कौन सी ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर लोन पेयर बॉन्ड पेयर से कम है, और वो है N2. तो ये हमारे पास हो सकता है, हम आराम से सोच सकते हैं. आ रही है बात समझ में? तो ये आपने जब इसको कोवलेंट बॉन्ड को देखा तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज बनेगी, पहली चीज लिखते जाएं इसके प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सही है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड है, सही है, हमारे पास बहुत अच्छे से हमें मालूम है. सबसे पहली प्रॉपर्टीज अगर हम बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की, तो बॉन्ड दोनों तरह के हो सकते हैं, नेटवर्क और नॉन नेटवर्क. नेचर ऑफ बॉन्ड दोनों तरह का होगा, नेटवर्क एंड नॉन नेटवर्क. अब डायमंड को देख लो, इनफाइनाइट लूप में चलेगा, चार वैलेंसी है, तो ये नेटवर्क है. हर कार्बन की चार वैलेंसी, समझ में आ रहा, इनफाइनाइट लूप.
नॉन नेटवर्क एन टू ओ टू एफ टू, बस सिर्फ दो एटम तक ही रहता है, समझ में आ रहा है? तो जब नेटवर्क होगा तो उस कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आर वेरी हाई, और यहां क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी वेरी लो, और नेटवर्क बॉन्डिंग है तो ये सॉलिड होगा और ये लिक्विड या गैस होंगे, लिक्विड या गैस, ये तो सब गैस हैं, लेकिन बीआर बीआर क्या है, लिक्विड है, सीएल सीएल क्या है, गैस है, तो हर चीज़ मिल जाएगी लेकिन सॉलिड नहीं मिलेंगे, बहुत हार्ड सॉलिड नहीं होंगे, और ये क्या होंगे, हार्ड सॉलिड होंगे, या तो ये लिक्विड होंगे या गैस होंगे, और या फिर ये सॉफ्ट सॉलिड हो सकते हैं, वैक्सी टाइप, लेकिन बहुत हार्ड नहीं होंगे, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। क्या लगता है, पानी में सॉल्युबल होंगे क्या, कम होंगे या होंगे ही नहीं, बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं है, लेस सॉल्युबल इन वाटर, थर्ड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन है इसका ग्रेफाइट, क्यों है ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, नेटवर्क बॉन्डिंग भी है ग्रेफाइट में। अच्छा, आइसोमेरिस शो करते हैं, हाँ शो स्टीरियो आइसोमेरिस, वैसे भी डायरेक्शनल नेचर का बॉन्ड होता है, क्यों, क्योंकि हर बॉन्ड उसी डायरेक्शन में बनेगा जिस डायरेक्शन में ऑर्बिटल होंगे, तो क्यों, दे आर डायरेक्शनल इन नेचर, इन नेचर, इन नेचर बॉन्ड जनरेट इन ऑर्बिटल डायरेक्शंस। भाई पी पी ऑर्बिटल पी की तरफ ही बनेगा, हर तरफ तो बनेगा नहीं, लेकिन आयनी बॉन्ड कहीं से भी आए, कैटायन एनायन, हमेशा बॉन्ड बनेगा, समझ में आ रहा है? तो आप खुद ही समझिएगा कि ऑर्बिटल की एक डायरेक्शन होती है जबकि आयनिक बॉन्ड में कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए वो स्टीरियो आइसोमर्स नहीं शो करते थे, कौन, आयनिक बॉन्ड, और ये करेंगे। और भी प्रॉपर्टीज बताइए जल्दी से, क्या इनमें मेटलिक शाइन होती है क्या, नहीं, क्योंकि इनमें एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होती ही नहीं है, मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एक लेयर होती है तो शाइनिंग होती है, दे डू नॉट हैव मेटलिक शाइन, तो इनकी अलग ही होती है, आपको लकड़ी अलग ही दिखेगी और मेटल कटा हुआ अलग ही दिखेगा, दे डू नॉट हैव मेटलिक शाइन। और सॉफ्ट होते हैं, दे आर सॉफ्ट इन नेचर, जनरली ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, आपको पता चल जाता है देखते ही, हाथ लगाती क्या ये कोवलेंट कंपाउंड है या नहीं है, अगर मेटल को फेंकोगे ना तो अलग ही आवाज आती है, इतने डेंस होते हैं कि उनकी गिरने की आवाज ही अलग होती है, तो ये तो जनरल प्रॉपर्टीज हैं किसकी, कोवलेंट कंपाउंड की, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, उनकी बॉन्ड थ्योरी क्या है, वो हम डेप्थ में पढ़ेंगे, आज ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हेडिंग क्या डालेगा हमारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो हेडिंग डाल लीजिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड।